नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जियो पोच प्लस से जियो का नया सिम कार्ड चालू कैसे करें। दोस्तों यदि आप एक जियो पोच प्लस के रिटेलर हैं या आप एक जियो पोच लाइट के रिटेलर हैं और दोस्तों यदि आप भी जियो पोच प्लस से जियो का नया सिम कार्ड चालू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जियो पोच प्लस से जियो का नया सिम कार्ड चालू कैसे करते हैं ई केवाईसी प्रोसेस के साथ। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके चलिए हमारे फेसबुक पेज पर और आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। तो लॉग इन करते हैं दोस्तों जियो पोच प्लस, दिखाते हैं आपको फुल प्रोसेस स्टूडियो के माध्यम से। दोस्तों लॉग इन कर लिया है जियो पोच प्लस। सिंपली हमको ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे जियो आधार ई केवाईसी वाले इस ऑप्शन पर हमको एक बार टैप कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको सेलेक्ट करने के लिए मांगा जा रहा है। हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक और मोबिलिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करें और डन वाले ऑप्शन पर हमको टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों रिटेलर का जो है अंगूठा टेकना है और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो रिटेलर भाई बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर अपना अंगूठा टेकेंगे और यहाँ पर अंगूठा को कैप्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हो गया रिटेलर का वेरिफिकेशन। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमको कस्टमर के आधार नंबर को एंटर करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एंटर करते हैं कस्टमर का आधार नंबर। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको फिर नो वाले ऑप्शन पर आधार नंबर डाल दिया है और नो वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर हमको ग्राहक का फोटो लेना है बैक कैमरे से। तो दोस्तों चलिए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है और उसके बाद नो वाला ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है एक बार। इसके बाद इससे पहले हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा तो हम नो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं और इसके बाद आपको आई एग्री एंड कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्राहक का अंगूठा हमको टिकवाया जाएगा बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राहक का बायोमेट्रिक जो है हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको कैप्चर किया जा रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर ग्राहक का अंगूठा नहीं लिया गया है, हम फिर से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राहक का फिर से हमने बायोमेट्रिक यानी अपने हमारे पास जो भी मशीन है उसके ऊपर ग्राहक का अंगूठा टिकवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही तरीके से अब हो चुका है। इसके बाद यस के ऑप्शन पर टैप कर देंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर फिर से टैप करेंगे। सक्सेसफुल हो चुका है ग्राहक का अंगूठा और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ग्राहक का नाम आ चुका है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और उनके पिता का नाम और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर हमको दर्ज करना है। तो ग्राहक से कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर क्या है, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम टैप करेंगे। अब यहाँ पर लोकल एड्रेस हमको ग्राहक बाहर के रहने वाले हैं और हमको ये लोकल हमारे यहाँ पर रह रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन कस्टमर है तो उसका यहाँ पर हमारे यहाँ का एड्रेस भरना होगा। कहाँ पर बंदर है होम नंबर डालना है, गाँव का होम नंबर डाल देना है और यहाँ पर गाँव का नाम डाल देना, सिटी डाल देना, पिन कोड डाल देना है और बाकी सब अपना आप हो जाएगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब उसके एक जानने वाला लोकल रेफरेंस एड्रेस उसके जानने वाले के नाम, सबसे पहले नाम 49 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, मोबाइल नंबर पिन कोड और यहाँ पर बाकी कैप्चर फिल हो जाएगा। तो डाल दिया है दोस्तों, ऊपर नाम डाल दिया है, यहाँ पर उनका लास्ट नेम डाल दिया, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और पिन कोड। इसके बाद दोस्तों बाकी सब कुछ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस, गांव का नाम, सिटी का नाम और ज़िले का नाम और यहाँ पर प्रदेश का नाम पूरा डालना है। इसके बाद यहाँ पर जो है सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर होम नंबर डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे जो है यहाँ पर गाँव का नाम डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ पर हमको यहाँ पर क्लिक करना है और प्रीपेड पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमने इसको क्लिक कर दिया है सही तरीके से और इसके बाद यहाँ पर हम 239 वाला प्लान सेलेक्ट करेंगे सही तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों छांट लेना है जो भी आप अपने ग्राहक को, जो भी FRC चल रही हो, जो भी आपको ग्राहक को पसंद हो वो आप यहाँ से FRC पसंद करके ग्राहक के नंबर पर नया सिम कार्ड चालू करते समय दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ 239 वाली FRC दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर 12345 आप भी 12345 भर सकते हो और ओके कर सकते हो और इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर जो स्कैनर है यहाँ पर क्लिक करके आपको सिम को स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्राहक के लिए कोई अच्छा सा नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी ग्राहक को पसंद आए मैं यहाँ पर ग्राहक के लिए 1, 2, 4, 5 नंबर जो है मैं यहाँ पर स्कैन करके देख सकता हूँ। उसके बाद देखने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर कस्टमर की डिटेल आ जाएंगी नीचे, यहाँ पर एक राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एजेंट का अंगूठा टिकवाना है,
मशीन के ऊपर और नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि रिटेलर का अंगूठा लगवाना है मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर रिटेलर भाई का अंगूठा लेने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है हमको। यहाँ पर हमको सिम के लास्ट का एक अंक छोड़ के उससे पहले 5 अंक हमको यहाँ पर दर्ज करने हैं सही तरीके से। तो यहाँ पर मैं सिम नंबर दर्ज कर देता हूँ सही तरीके से सिम में देख के। ध्यान रहे कि लास्ट का एक अंक आपको छोड़ना है, उससे पहले 5 आपको अंक यहाँ पर दर्ज करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राहक का बायोमेट्रिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर कर दिया, इसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्राहक का अंगूठा जो है बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर हम टिकवा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राहक का जो है बायोमेट्रिक लिया जाता है और प्रोसीड के ऑप्शन पर एक बार टैप करेंगे। अब यहाँ पर पूरा डाटा सर्वर में चढ़ाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर FRC देनी होगी। तो दोस्तों चलिए हम FRC यहाँ पर कर देते हैं, कैश के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डन के ऑप्शन पर हम एक बार टैप कर देते हैं। और दोस्तों आप यहां पर आसान तरीके से यहां पर एक्टिवेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर हमारा सफलतापूर्वक एक्टिवेशन हो चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं लेता हूं इजाज़त, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।